नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यक्षिणी नानी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं वो कुंडली पढ़ने में सबसे ज़रूरी और यूज़ करने वाला टॉपिक है। वो टॉपिक है घर को पहचानना। कभी भी हम जब कुंडली को देखते हैं तो हमारे पास ऐसा चित्र होता है, या हम किसी सॉफ्टवेयर में निकालते हैं तो हमारे पास ऐसा चित्र आता है। जिस प्रकार आप कुंडली की इस चित्र को देखें तो इनमें सबसे पावरफुल और अच्छे घरों को, जहां मैंने ये येलो कलर करा हुआ है, पहला हाउस, चौथा हाउस, सातवां हाउस और दसवां हाउस, इन घरों को अच्छा घर माना जाता है। इन्हीं घरों के द्वारा अच्छे, वैसे तो सभी घर अच्छे होते हैं, लेकिन इनके कम इफ़ेक्ट, बुरे इफ़ेक्ट कम मिलते हैं और अच्छे इफ़ेक्ट ज़्यादा मिलते हैं। धन्यवाद। हाँ, दूसरा, जहाँ मैंने येलो कलर किया हुआ है, पहला, पांचवा और नौवा, ये घर भी शुभ घर है माने जाते हैं, शुभ घर माने जाते हैं। इन घरों में जो भी ग्रह होगा वो शुभ ही परिणाम दे सकता है, यदि उसकी हालत ठीक हो, वह नीच राशि में ना हो या उसकी डिग्री कम ना हो, ठीक है। उसके बाद आते त्रिक हाउस, छठा, आठवां और बारहवां, कुछ जगह तीसरे घर को भी माना जाता है, लेकिन समय के साथ सब चीज़ें बदल जाती हैं, इसलिए ज़्यादा बुरे छठे, आठवें और बारहवें घर को माना जाता है। और इन्हीं से ही देखा जाता है हमारे कुंडली का बेसिक रूल। धन्यवाद, आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। आप मेरा इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं।